स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपके जर्नलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, आपके कब से लेकर कब तक आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने में मिलेगी। नोटिफिकेशन का मैं पूरा वीडियो अलग से आप लोगों के प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, थोड़ी सी आपको संक्षेप में वैकेंसी और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और बाकी सारी चीजें, आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको उसके बारे में बताता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से लर्निंग टाइम के द्वारा से आपको सारी गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारियां डेली आप लोगों को अपडेट करता रहता हूं। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में। इसके लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलेंगे तो यहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 19 पेज का हमारा नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 2 प्रोजेक्ट 2021-22, जहां पे आपको देख सकते हैं आपको इनवाइट किया जाता है एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्रूटमेंट जनरल ऑफिसर स्केल 2। यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसकी आपको डिटेल दे रखी है जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 की। आपकी आयु 25 से 35, एससी 22, एसटी 11, ओबीसी 40, इकोनॉमिक सेक्टर 15, सीयूआर कैटेगरी में 62 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 150 है। फिजिकल डिसेबिलिटी वालों को यहाँ पे आपको वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 150, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन विद आपके 60% मार्क होने चाहिए एग्रीगेट ऑल सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ पे आपको 55% दे रखा है एससी एसटी ओबीसी फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के लिए, या पासिंग ऑफ जे आई आई बी या सी ए आई आई डिजायरेबल। यहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक सी ए आई सी ए डब्ल्यू आई सी एस सी एफ ए एफ आर एम फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड आपका रिकोगनाइज गवर्नमेंट अप्रूव बाई रिकोगनाइज बॉडी। एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का एस एन ऑफिसर इन एनी आपका शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, एक्सपीरियंस क्रेडिट रिलेटेड एरिया ब्रांच हेड इंचार्ज प्रेफरेबल रहेगा। आपकी आयु 25 से 35 दे रखी है और रिलेक्सेबल भी रहेगी। जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रखा है, यहाँ पे दे सकते हैं आप, उसकी डिटेल दे रखी है, वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की 22 मार्च से लेकर 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। क्लोजिंग एडिटिंग एप्लीकेशन 6 अप्रैल है, लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग एप्लीकेशन 21 अप्रैल है, ऑनलाइन फी जमा करने की भी आपकी 22 से लेकर 6 अप्रैल तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए जो आईबीपीएस की साइट रहती है नॉर्मल उसी तरह से क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं यहाँ पे आपके जाकर द्वारा से अपना यहाँ पे लॉग इन और ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, सबसे पहले फर्स्ट नेम कन्फर्म, फर्स्ट नेम मिडिल नेम कन्फर्म, मिडिल नेम लास्ट नेम कन्फर्म, मिडिल आप लास्ट नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर और कन्फर्म मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको सकते हैं डोमेन, यहाँ पे फिर आपका कन्फर्म ईमेल आईडी, यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा, इस पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक जानकारी है, इसको आपको नॉर्मली है आप इसको फॉर्म फिल कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है उस पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, यहाँ पे आपको देख रहे आपको श्योर होना चाहिए जो डाटा किया है करेक्ट है, उसके बाद आपको कोई भी एडिट या चेंज करने को नहीं दिया जाएगा, तो इसको फाइनल सबमिट समझा जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आप इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिससे कि हमारी कोई गलती ना हो। तो फ्रेंड आपको जो फॉर्म है बड़ा ही केयरफुली भरना है। इसके बाद देखिए फोटो सिग्नेचर है, यहाँ पे आपको उसकी गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी। आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी एसएमएस भी आ गया होगा रजिस्ट्रेशन की जानकारी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोटो है 20 से 50 KB का, सिग्नेचर यहाँ पे 10 से 20 KB का, स्कैनिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर की ये गाइडलाइंस है, इसको आपको पढ़ लेना है, उसी के हिसाब से यहाँ पे अपलोड करना है, तो ठीक है। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, यूआर कैटेगरी से है, जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पे जानकारी, इकोनॉमिक सेक्टर ओबीसी एससी एसटी है उसके बारे में बताएं जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ये एक्टिवेट होगा, सब कैटेगरी आपको पूछी जाएगी जब भी, ठीक है। यहाँ पे आपको फिजिकली डिसेबल है यस या नो करना है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है उसके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपका देखिए सब टाइप डिसेबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे जिस जैसे आप करते आएंगे उस डिसेबिलिटी के आपके टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सब टाइप मल्टीपल डिसेबिलिटी के भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके क्या बताना है आपको, आर यू या एस पर द फिजिकल डिसेबल गाइडलाइंस आपको यूज करना है, यूज कंपलसरी टाइम टू एग्जामिनेशन यस या नो करने वाले, वो आपकी डिसेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है।
ठीक है, आर यू सर्विंग पैरा स्पीड राइटिंग इफेक्टेड, यस या नो कर सकते हैं। क्या आपको टाइम चाहिए एक्स्ट्रा, यस या नो कर सकते हैं। वेदर यू डोमिनेट राइटिंग हैंड अफेक्टेड, यस या नो करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप करते हैं कि आपका जो ये है, ये क्राइटेरिया आपकी डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अनुसार यहाँ पे आपका आएगा। इफ यू नीड टू कंप्लीट टाइम एग्जामिनेशन, यस या नो करना है। यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूछा रहा है आपको स्क्रैप की अवेलेबल चाहिए, यस या नो करना है। क्या आपको देखते हैं, आर यू ये चाइल्ड फैमिली मेंबर डाइट हमको 1984, यस या नो करना है। ठीक है, आपका रिलीजन के बारे में जानकारी दीजिए, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बताना आपका धर्म कोई माइनॉरिटी धर्म से है तो यस या नो कर सकते हैं। आप एक सर्विस मैन है तो उसके बारे में यस या नो करना है। तो उसके बाद तो उसके पीर और सर्विस की यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। ठीक है, मंथ में जैसे कि आपका 10 मंथ है, 20 मंथ है, जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। हैव यू ज्वाइंट आपका गवर्नमेंट सिविल साइट आफ्टर आपका अवेलेबिलिटी बेनिफिट और एक सर्विस, यस या नो कर सकते हैं। क्या आपको इंडियन सिटीजनशिप है, यस या नो कर, इंडियन आ रहा है तो वो यहाँ पे रहने देना। स्टेट यूटी एनसीआर है तो उसके बारे में बताना है। यहाँ पे आप किस आपके स्टेट से हैं तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश आपका, वेस्ट बंगाल है, जो भी है यहाँ पे आपको बताएं। सेंट्रल एग्जामिनेशन आ रहा है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने मिल जाएगा, अपने स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देनी है, मंथ ईयर देना है, आपको जेंडर बताना है। क्या आपके जो ब्रदर है, आपका भाई बहन है, कोई ट्विन है, यस या नो कर सकते हैं। ट्विन है तो उनका नाम किस टाइप के हैं, मेल फीमेल है तो ये जानकारी देनी है। शादीशुदा है या नहीं उसकी जानकारी देनी है। शादीशुदा है तो आपको मैरिड पर क्लिक करते हैं, नहीं है तो अनमैरिड, तो उनमें से अपनी कैटेगरी को यहाँ पे अपने अनुसार चुनना है। फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस यहाँ पे आपको बताना है, इसका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका पिन कोड, यहाँ पे आपको इस तरीके सेम है तो उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको क्लिक करने आपका ये डेटा कॉपी है, अलग है तो उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अलग से देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चूजिंग आपका, उसके बाद यहाँ पे जे सेलेक्ट करेंगे तो आपका इसमें से एक आएगा एड्रेस, आपको उनमें से चुनना होगा जिसमें से परमानेंट एड्रेस या आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, तो इन दोनों में से चुनेंगे। आपको फीस दिखाई दे जाएगी यहाँ पे। वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, जैसे वैलिड योर डिटेल पे आपकी कोई भी गलती होगी, आपने कोई आपका रह गया ब्लैंक रहेगा उसको आपको फिल करने को बोला जाएगा, वो करेंगे। एक बार वैलिड डिटेल देने के बाद उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन चेक करें, कहीं गलती तो नहीं है, गलती होती है सुधार करें, उसको सुधार करने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट दिखाई दी जाएगी, इसके बाद ही आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे मैंने ये पूरा अपना भर लिया है तो कम्युनिकेशन आपका एड्रेस है तो उस पर मैं डाल देता हूँ या परमानेंट एड्रेस उस पर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको फीस दिखाई दी जाएगी। ठीक है, वैलिड योर डिटेल पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो वेरीफाई सक्सेसफुली, उसके बाद ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे किया, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद देखिए मेरी जो अब नेक्स्ट डिटेल है, यहाँ पे आपकी एजुकेशन है, आपकी ग्रेजुएशन, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन आपका जो ईयर वाइज है, सेमेस्टर वाइज है, उसकी जानकारी देनी है। तो मैं ईयर वाइज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपने कब किया था, अपनी मार्कशीट से चेक कर सकते हैं आपने कब किया था, उसके आपको परसेंटेज मार्क यहाँ पे देने हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहाँ पे आपको जानकारी जितने साल का आपका एकेडमिक ईयर है उसके अनुसार यहाँ पे रखना है। मार्क ऑब्टेन जो मिले थे, ठीक है, टोटल मार्क आपके ये हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। ठीक, यहाँ पे आप देखते हैं इंटीग्रेटेड आपका ड्यूअल आपका डिग्री है तो यस या आपको बताना है कि आपके जो भी है ग्रेजुएशन वाइज है, ईयर वाइज है, सेमेस्टर वाइज है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी नहीं है, यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना, आपको कब पास किया उसकी जानकारी देनी, क्योंकि सीए में ऐसा कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कितने परसेंटेज ऑफ मार्क है, वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा, इसके बाद आपका ड्यू है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन 3 ईयर एज एन ऑफिसर, आपको बताना है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, यस या नो यहाँ पे करना है। ड्यू है प्रोफेशनल कंप्यूटर, आपकी नॉलेज है या आपका इंटरपर्सनल कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल है, यस या नो कर सकते हैं। आपको यू है पास्ट, आपको जेब या सीआईएफ के बारे में बताना है, यस या नो करना है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको बताना है, कब से आपको यह बताना है आप प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं, यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ ड्यूटी आपका रिमार्क आपको बताया, अगर आपका प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको नहीं देना है। ठीक है, ईयर आपको सर्विस की जानकारी देनी है। ठीक है, लैंग्वेज आपको बतानी है, कौन कौन सी आपकी लैंग्वेज बोल सकते हैं, रीड राइट स्पीक, जैसे हिंदी अंग्रेजी बोल सकते हैं तो रीड राइट स्पीक का उसका अन्य लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको लैंग्वेज है वो यहाँ पे आपको बतानी, जैसे हिंदी है तो जिसमें आप जैसे हिंदी अगर बोल जानते हैं तो रीड राइट स्पीक
अंग्रेजी में रीड राइट स्पीक यहाँ पे आपको लिख कर यहाँ पे करना होगा। वैल्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, वैल्यू डिटेल पे आप क्लिक करने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर ले, कोई गलती तो नहीं है, अगर कोई ब्लैंक है तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, प्रीव्यू में आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करी है, आपकी इमेज अपलोड करी उसके बारे में, फिर अपलोड में यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट है, आपके जो जो सर्टिफिकेट हाई स्कूल इंटर के आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट होंगे वो अपलोड करने का, उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा, पेमेंट का करना होगा। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में तो हम उससे संपर्क कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए ईमेल या फिर ईमेल आईडी पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया जुड़कर, या हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हम आपसे हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर बताएं, ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और डेली आप लोगों ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखने के लिए।